सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8, मतलब 8:45 हुए नहीं है, 2 मिनट बाद हो जाएंगे। खैर वो कोई मसला नहीं। तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ रीजनिंग, क्योंकि ये मेरे एंट्रेंस में भी आना है और मैथ्स के पोर्शन में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उसके लिए ये चैनल है इमरान सर मैथ्स नाम से। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, अगर आप भी रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं, मतलब एमबीए की या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें रीजनिंग या मैथ्स आती है, तो इस चैनल पर विजिट करना। बहुत अच्छे क्वेश्चंस लाते हैं और बहुत अच्छा कंटेंट लाते हैं मैथ्स से रिलेटेड। मैं काफ़ी दिन से मैथ्स इन्हीं के चैनल के थ्रू पढ़ रहा हूँ और काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है, तो अभी पढ़ाई करते हैं, बाकी दिन का देखेंगे क्या होता है। तो जिन्हें नहीं पता रीजनिंग में क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, तो एक सिंपल क्वेश्चन है कि अगर आज मंडे है तो 61 दिन बाद क्या होगा। अब ये तो समस्या है, लोग कैलेंडर खोल के स्क्रॉल करने। मैं बताता हूँ, ये जितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ना उतना ही ईजी है। हमें पता करना है कि 6 मतलब 61 दिन बाद क्या होगा। तो सिंपल 61 लेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से क्यों? क्योंकि 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। ठीक, तो 61 से जब 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 8 56 माइनस करा, हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा? 5। अब 5 जो आया हमारे पास, इससे हम पता लगाएंगे कि 61 दिन बाद क्या होगा। वो कैसे? ये मंडे है ना, हमारे पास 5 बचा, तो मंडे में कर लेंगे 5 प्लस। मंडे में 5 प्लस कैसे होगा? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो 61 डेज के बाद आएगा सैटरडे। तो 10:30 हो गए और अम्मा ने बुला लिया नाश्ते के लिए। नाश्ता करते हैं, नाश्ता है बना आलू के पराठे, जो कि मैं नहीं खाने वाला, मैं खाऊंगा ये सैंडविच। पराठे खाने जाएंगे सुखदेव, लेकिन घर पे नहीं खाएंगे। पराठे खाने जाएंगे जट्टारी, लेकिन घर पे नहीं खाएंगे। पराठे खाने जाएंगे बुलंदशहर, लेकिन घर पे नहीं खाएंगे। ये भी ठीक है। तो नाश्ते वगैरह से हो चुके हैं फारिग और अब करते हैं अपना डेली का काम। क्या आलू? क्या आलू? फ्रेंच फ्राइज बनाऊंगी अमान के लिए। फ्रेंच फ्राइज जैसा आलू तो नहीं है। और कैसा है? इतना मोटा आलू। अच्छा, ऐसा ही तो रहता है भाई, सिखाया था आपको मैंने, याद करी। हाँ, तू ही तो सब चीज सिखाता है मुझे। पतले पतले आलू कटते हैं। एक चीज को सही से सीखा करो, समझा करो, फिर बनाया करो। नमक डाली इसमें? जूते पड़ेंगे, ऐसे ही हो जाओगे जहाँ यहाँ से नहीं। तो ये था डेली का काम, अब चलते हैं नहाने। आओ एक काम और करते हैं। और भाई सलाम वालेकुम बाजी, चम्मच ही खाओगी पूरा? इधर दियो ये चम्मच, छोड़ बुलवाऊं अभी। ओ माँ, हट। अम्मा भाई कुमा क्या हूँ, चाटे बना देंगे शक्तिमान। नहीं मिलेगा चावल, वो चम्मच ता नहीं मिलेगा। लो, अच्छा लो, ये खाने के लिए सोच रही है इसमें ना है कुछ। अच्छा हानिया इधर देखो, इधर आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ हाँ, क्या कहना चाहेंगी? हेलो हेलो, हाँ फोन उठा लो फोन उठा लो, कॉल आ रही है। A few hours later. शाम के बच्चों के 4:30। तो अभी आज कोचिंग जा रहा था लेकिन क्लास कैंसिल हो गई, तो अभी घर पे ही हूँ। थोड़ी देर में अमान आएगा या फैज भाई आएंगे, कोई आएगा, फिर उनके साथ चलते हैं बाहर। और अभी अबान को शायद स्केट्स के लिए लेकर जाना है इसको, अभी अबान को स्केटिंग कराने ले जाना है। अबान को स्केटिंग करा कर लाएंगे, फिर बाहर जाएंगे। तो अभी चले स्केटिंग, चले जल्दी आ, लटका के चलो, बैग पकड़ लो, लेके जा रहा हूँ वही बहुत है। स्केटिंग चलते हैं, स्कूटी से चलते हैं, फिर इन्हें स्केट्स कराते हैं, फिर ब्लॉग बनाते हैं। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तो कुछ ऐसे शानदार स्किल्स हैं अबान के स्केटिंग करते टाइम पे, मतलब कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड है ये बंदा। वैसे स्केटिंग सही कर लेता है, पहले बहुत ख़राब करता था, लेकिन अब माशाल्लाह बहुत अच्छी स्केटिंग करने लगा है।
खैर इसी सब के साथ चलते हैं अब घर की तरफ को, निकलते हैं यहाँ से, घर चलते हैं। और यार अब पता नहीं मैं क्या ही बनाऊँ, क्या ही रिकॉर्ड करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। खैर चलते हैं घर। A few hours later. तो 10:30 होने वाले हैं और ये रहा रात का खाना। हेल्दी खाओ, हेल्दी खाओ, तो हेल्दी खा रहा हूँ। तो यही था बस आज का, पता नहीं कैसा बना है, क्या बना है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैंने किया क्या, बट जो किया यही किया है, क्योंकि यार भूल गया मैं कैसे करते थे। और अब दोबारा से आएगा तो और अच्छे से करेंगे, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। आई नो ये बहुत ही बोरिंग वीडियो थी, लेकिन क्या करें यार बस। और हाँ यार, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अच्छा ठीक है, कमेंट की बात आई, अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कोई चैलेंज मत देना, बस बस टॉपिक बता दो और वो कमेंट कर देना।